जय हिंद फ्रेंड्स। माई सेल्फ सुमित लक्षकार। क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का सोशल का आपका एग्ज़ाम है 7 मार्च 2024 को। आपको मेरी ये वीडियो कंप्लीट प्रिपेयर कर देगी आपके पूरे सिलेबस से। कैसे? आपको मैं सभी तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सभी क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस से सभी सब्जेक्ट्स से इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ेदार वीडियो है और आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। ठीक, आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे सेकंड चैनल पर, और सॉरी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर सारे नोट्स पूरे सिलेबस के और वन शॉट की वीडियो सबके अपलोड हो चुके हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटी की, जाके देखिए। और उनके भी नोट्स भी, आपके पूरे सिलेबस के नोट्स भी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, साइंस, सोशल, मैथ, सभी के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको वीडियोस, सारी वीडियोस, आपके आधी वीडियोस आपको अपलोड करता हूँ मैं हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पर, और आधी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर। आप दोनों को देख सकते हैं, लिंक आप दोनों को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट सिलेबस क्लास टेंथ सोशल। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, जो कि प्रोटेक्ट करता है सभी और कंजर्व करता है सभी वाइल्ड लाइफ को। ठीक, अर्थ सर्फेस सराउंडेड बाई वाटर 71%। ठीक है, और 29% आपका लैंड यानी जमीन। इंडियन रेलवे स्टार्ट ऑन 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से थाने, और चली थी जर्नी कम्प्लीट करी थी 34 किलोमीटर की। गांधी एरन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 में, गांधी एरवन पैक्ट। वो वॉज द फादर ऑफ प्रेस इन इंडिया। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे इंडिया में पहली बार प्रेस स्टार्ट की थी बंगाल गजेट नाम की जेम्स अगस्टा सिक्की ने। कंट्री इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर यूएसए और स्विट्जरलैंड। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको जो आपके वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना है, वो बहुत अच्छी मात्रा में है, तो हम उनको रिजर्व कर रहे हैं ऐसा। फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया रन्स बिटवीन मुंबई और थाने। मुंबई यानी बॉम्बे, बॉम्बे जो आज की मुंबई है ना, उसका नाम पहले था बॉम्बे। इन 1928 वल्लभ भाई ने एक मूवमेंट को लीड करा था जो कि हुई थी भरदौरी तालुका में गुजरात में। उस मूवमेंट का नाम है भरदौरी सत्याग्रह। ठीक, इन 1917 द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मारवाड़ी बिजनेसमैन नेम्ड एज सेठ हुकुमचंद। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। ठीक, ओके सर, देखो जो कि फैसिलिटेट करता है सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को। अब देखो, एमपी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। ट्रू, देखो राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है बट वहाँ पर आपकी फॉरेस्ट नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एमपी, तो उसके पास है सबसे बड़ा परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट यानी जिसके अंदर जो कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व दोनों को हम कहते हैं कलेक्टिवली परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये गुड्स प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इनको, और ये पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बेस बनती है इसके लिए। ठीक है, ठीक है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। रेलवेज एक्सपेंड इन इंग्लैंड 1840s और इनकी कॉलोनीज में 1860s में। ठीक है, ब्रुसेल जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वो हेडक्वार्टर है ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का। राइटिंग कितनी अच्छी ना मेरी। ट्रू, एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटल इनकम। ओके, फॉल्स, नेशनल इनकम नहीं होती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर। जी बिल्कुल, चाहे वो वीवर्स देख लो, चाहे वो आर्टिशंस देख लो। ठीक, एक सेकेंड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके और बहुत सारे मेरे पास। ठीक है, आपको सभी मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से, लिंक मिल जाएगी सभी की वीडियोस की, सभी की वीडियोस की। कहाँ पे आ गए? 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। रबी और खरीफ क्रॉप, देखो सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, क्रॉप्स और इरीगेशन। इसका सोइंग पीरियड है विंटर और हार्वेस्टिंग पीरियड है समर, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल। इसका सोइंग पीरियड है मानसून जून और जुलाई, और हार्वेस्टिंग पीरियड है सेप्टेम्बर और अक्टूबर।
क्रॉप्स देख लो, वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड। क्रॉप्स देख लो, पेडी, मेज, ज्वार और बाजरा और कॉटन और जूट। ठीक है, इरिगेशन देखो, इसको मिलता है साइक्लोन से और कैनल्स के थ्रू और वेस्टर्न टेम्पलेट्स के थ्रू, यानी जो बौछार होती है, बौछार आती है ना पानी की, उसके थ्रू और पानी के द्वारा, समुद्र के द्वारा जो बौछार आती है ना उससे। और यहाँ पर मिलता है बारिश के थ्रू, मानसून, बारिश के थ्रू। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स एंड एग्जाम्पल जिनके अंदर हम हाई इम्पोर्ट, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स डालते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग में अपन जो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं वो इंडस्ट्रीज में जाती हैं और वो कॉमर्स में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ट्रेड में इस्तेमाल होती हैं, अपन ट्रेड करते हैं सभी चीज़ों का, जैसे कि कॉटन, जूट, वीट, राइस, टी और कॉफ़ी। ऐसा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखो, बेसिस बनती है ऑन दी बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो और मिनरल, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट और इंडिविजुअल, आई मीन टू से प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव और जॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल ऑफ द इंडस्ट्री, बेसिक और कंज्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज और स्मॉल, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट, वेट ऑफ गुड्स, हैवी और लाइट, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। दो रीज़न देखो, एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल उसने दिया एग्रीकल्चर ने, जो नेचुरल गुड है उसको कन्वर्ट करती है फाइनल गुड में, और उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज फीड करती है एग्रीकल्चर को। ठीक, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देखो, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड देखो, जिनका रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, और जो जनरली फूड, फूडिंग आइटम्स और ईटिंग आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, एक्सेप्ट टेक्सटाइल, खाने के आइटम प्रोड्यूस करती हैं एक्सेप्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देखो, जो कि रॉ मटेरियल, का रॉ मटेरियल आता है अर्थ की क्रस्ट से पाए जाने वाले मिनरल से, ठीक, यानी माइनिंग के द्वारा। ठीक है, और आयरन इंडस्ट्री, मोटरमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये हैं सारी एग्रो मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और जनरली जो ये प्रोड्यूस करती हैं सर्विस प्रोवाइडिंग आइटम्स। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग आइटम प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि कुकर सर्विस प्रोवाइडिंग आइटम है, बाइक सर्विस प्रोवाइडिंग आइटम है। ऐसा रोडवेज एंड इट्स मेरिट्स देखो, रोडवेज रोडवेज एंड इट्स मेरिट्स देखो, इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रोडवेज, जैसे कि 50 लाख किलोमीटर की इंडिया के पास रोडवेज हैं। ठीक है, फ़ायदे देखो इसके क्या है, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो सस्ती होती है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करती है, ईजी होता है कंस्ट्रक्शन करना पहाड़ी एरिया में भी, और ब्रिजेस बनाना ईजी पड़ता है रोड का एज़ कम्पेयर टू रेलवे के ब्रिजेस बनाना। और डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी आपको आप अपने घर से निकले रिश्तेदार के घर जाने के लिए, तो आपके घर से आप निकले रोड के थ्रू निकले और आप डायरेक्ट पहुँचोगे घर के रिश्तेदार के घर के सामने रोड के थ्रू। ठीक है, रोडवेज आपके डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है और फीड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एक्सेट्रा। वाई एंड वेयर रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन इज कन्वीनियंट देखो, रेलवेज देखो लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करने के लिए आपको लो कॉस्ट में, आपके लिए बेस्ट, लो कॉस्ट में आपको लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करा देगा रेलवेज। ठीक, रेलवेज इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर है हमारे कंट्री के अंदर, जो कि ओन करता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विस मोटिव होता है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक लाइफ जो कंट्री की है वो इन्फ्लुएंस की जाती है रेलवेज के द्वारा। ठीक, यानी जो आपकी इंडस्ट्रीज वहाँ तक रॉ मटेरियल पहुँचाना वो होता है रेलवेज के द्वारा। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन अपॉन दी ज्योग्राफी है और पॉपुलेशन, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके द्वारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस करता, डिपेंड होता है। ठीक, देखो किसी भी एरिया में आपकी रेलवेज बनाने की आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत सारी है या फिर वहाँ पर जॉब मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ पर रेलवेज लेके जाओगे। ठीक, तो और जहाँ पर नहीं है, जैसे कि माउंटेन एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर जो रेलवेज का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में देखो, यहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे हैं, मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आप रेलवेज लगाओगे, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो नॉर्दर्न प्लेस में यहाँ पर बहुत प्लेन एरिया है, भले ही रिवर्स है यहाँ पर, बट यहाँ पर हमारे पास प्लेन एरिया है, तो अपन यहाँ पर रेलवे बनाते हैं। ठीक है,
पॉपुलेशन बहुत सारी है, इसलिए अपन यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए यहाँ पर रेलवेज का डीप और डेंस एरिया है, डेंस नेटवर्क है। ठीक, अब देखो सिविल कोड डील करती है जो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, कंपनीज हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई उसको उससे, और क्रिमिनल केसेस इसके अंदर नहीं आते हैं, जैसे कि मार पीट और मर्डर ये सब कुछ, और केसेस आते हैं मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिबेट्स और पार्टीशन घर का ऐसे कुछ, हाउसिंग के थ्रू यानी हाउसिंग वगैरह ऐसे कुछ केस आते हैं इनके पास। ठीक, ज्वेलवेरियन देखो ये एक कस्टम यूनियन है, था 1834 में एक कस्टम यूनियन बना था, जो कि बना था एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, देखो जो कि ज्वाइन करता है जर्मन स्टेट को, जर्मन स्टेट्स को, और रिड्यूस करता है ट्रेड वेयर्स को, रिड्यूस करता है करेंसी नंबर को, और यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट करता है पूरे घंटे के अंदर, जो कि कई सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा इस कस्टम की ज्वाइंट वाले स्टेट्स को, ठीक है, और प्रूशिया को भी कई सारे प्रॉफिट्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा ट्रेड में, ठीक है, और सभी फायदा उठाएंगे। कॉर्न लॉस देखो, अंडर द प्रेशर ऑफ लैंडेड ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, देखो कॉर्न बाहर से इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन में, ठीक है, तो ब्रिटेन के जो लैंडेड जो ग्रुप्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि भैया तुम ये जो इम्पोर्ट होता है लॉस ये कॉर्न का वगैरह, कॉर्न का और ये एग्रीकल्चर की चीज़ों का, उसको तुम बंद कर दो, और ताकि हमारा फ़ायदा हो, क्योंकि क्योंकि देखो बाहर से इम्पोर्ट बंद होगा तो फिर हमारे जो अंदर प्रोडक्शन हो रहा है जो जो गुड्स हैं उनकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, अगर शॉर्टेज होगी, बाहर से प्रोडक्शन नहीं हो, बाहर से इम्पोर्ट नहीं होगा तो फिर शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होने की वजह से जो लोग हैं वो खरीदेंगे इन कॉर्नर्स को, ठीक है, समझ गए, ओके सर। दिस लॉ इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड्स, ठीक है सर, मतलब जिस लॉ हटाने की वजह से प्राइस बढ़ गई थी, आई मीन टू से लॉ कॉर्न लॉ, यानी कॉर्न के जो इम्पोर्ट था ना उसको बंद कर देना, तो ये जो कॉर्न लॉ था ना उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई थी, और जो कि जिसकी वजह से जो कि फ्रूटफुल साबित हुआ एग्रीकल्चरलिस्ट लोगों के लिए, ठीक, क्योंकि उनको फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उनके बड़े बड़े खेत थे तो उनके पास प्रोडक्शन था, गुड्स थे, तो उन्होंने बेचे पे हाई डिमांड पर, ठीक है, हाई डिमांड पर हाई प्राइस में। कंट्री इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो कौन कौन सी थी, दो ग्रुप थे, एक्सिस और अलाइस, एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान, अलाइस में देखो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, इंडिया भी था, ठीक है, इंडिया क्योंकि ब्रिटेन था ना तो इंडिया भी था, और यूएसएसआर और यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी हमारा ब्रिटेन, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, ठीक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखो, इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्शन हुआ है पूरे एक साल के अंदर और जो उसने कंट्रीब्यूशन दिया है कंट्री की इकोनॉमी में, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ने जितना भी प्रोडक्शन दिया है फाइनल गुड्स की जो वैल्यू अपन ऐड करेंगे, तो जो इकोनॉमी में जो भी फायदा हुआ है पूरे साल भर में, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक। वो वर जॉबर देखो, जॉबर एक ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर होता था जो कि जिसके पास कुछ पावर्स थी और अथॉरिटी थी, जो कि न्यू रिक्रूटमेंट करता था, जो कि लोगों को काम बताता था कि तुमको यहाँ पे काम करना है, तुमको यहाँ पे काम करना है, जो कि काम कैसे हो रहा है उसको देखता था, ठीक है। और डिस्पॉटिज्म देखो, आइडियोलॉजी ऑफ डिस्पॉट यानी निरंकुशवाद देखो, जो कि निरंकुश यानी मिलिट्री लीडर या फिर मोनार्क जिसकी पावर पर कोई चेक ना हो, ठीक है, जो कि वन अथॉरिटी है, जो कि सारे डिसीजंस अकेले ले सकता है, ओनली वन अथॉरिटी कैन टेक ऑल डिसीजंस बाय देयर ओन विल, ठीक है, खुद से, और जो कि कोई भी उसके क्वेश्चन उसके ऊपर चेक नहीं कर सकता, कोई भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, ये होता है, ठीक। गिव रीज़न वाई डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट टेक मैनी टाइम टू टेक डिसीजन, देखो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर हर लेवल पर डिसीजन को चेक किया जाता है, ठीक, वहाँ पर लिबरलाइजेशन नहीं होता डिसीजन लेने का, और ट्रांसपेरेंसी होती है मासेस के सामने, तो इसलिए यहाँ पर जो डिसीजन है वो इफेक्टिव होता है बट वो एफिशिएंट नहीं होता, यानी वो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, ओके सर, इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, देखो
अकाउंटेबल क्या होती है, जो कि आपके क्वेश्चंस पे आपको जवाब दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके क्वेश्चन के लिए जवाब देती है, प्लस साथ ही साथ आपकी भलाई के लिए काम करती है, रिस्पॉन्सिव। ठीक, देखो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल तो आपकी गवर्नमेंट हो कहलाएगी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है सर। और कुछ पॉइंट्स देखो, जैसे कि जिसको आपके पास फेयर चांस है कि आप उसको हटा सको अगले इलेक्शन में, अगर वो आपकी भलाई के लिए काम ना करे, जो कि आपके भलाई के लिए काम करती है, आपके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ठीक है, ताकि वो उसको जो कि उसको अगले इलेक्शन में फिर से इलेक्ट होना है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है और लोगों ने उसको इलेक्ट किया है। ठीक है सर। पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट वॉज इलेक्टेड बाय मासेस। ओके ओके सर। इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट विच अकर्स इन प्रेजेंट शुड बी, अरे सुनो, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है। देखो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल अलग अलग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इन्वायरमेंट को ध्यान में रखें, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करें प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक, और फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ खिलवाड़ ना हो। ठीक ओके सर। सस्टेनेबल मीन्स इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन, और जो कि प्रेजेंट टाइम में हो और फ्यूचर टाइम में भी हो, और प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ खिलवाड़ ना हो। ठीक, नो खिलवाड़ लिख दूँ क्या? ठीक है सर। ओके सर। हाँ, सस्टेनेबिलिटी मीन्स, देखो सस्टेनेबिलिटी मीन्स डेवलपमेंट जो हो रहा है वो लंबे समय तक सर्वाइव करे, यानी आज मैंने जो डैम बनाया वो डैम अगले दो कम से कम 50 साल तक तो, चले, क्योंकि तो डैम बनाने में मुझे लगते हैं कम से कम 20 साल, डैम बनाने में कम से कम लगते हैं 20 साल, तो कम से कम वो अगले 50 साल, 80 साल, 100 साल तो कम से कम काम दे। ठीक है, कि वो मैंने आज बनाया और वो कल बह गया। ठीक है, तो ऐसा ना हो। सस्टेनेबल मतलब क्या, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, मतलब वो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक सर्वाइव करे, ऐसा सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वायरमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग शुड बी इन द माइंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ओके ओके सर। यानी जो मानवता की जो अभी एग्जिस्टेंस है अर्थ पर, वो आपके दिमाग में रहे कि आप काम कर रहे हो और अपने मानवता की ईंट से ईंट बजा दी, ऐसा मानव जाति का सर्वनाश कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक, वो ना हो, कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी हो गई ना। वॉट इज सर्विस सेक्टर? देखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सेक्टर। देखो ये थर्ड सेक्टर है इकोनॉमी का, और जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस और सपोर्ट्स और टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, ये बेसिक सर्विसेज हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और टीचिंग और प्लम्बिंग और बस ड्राइवर्स, ये सभी क्या है, बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, और विदाउट इट प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर कैन नॉट ग्रो, क्योंकि दो इन दोनों को फैसिलिटेट करता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, बैकबोन है ये मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्न डेवलपमेंट की और ग्लोबलिटी की। आपकी जो शिप है, पहले ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक, तो देखो वहाँ पर जो ट्रेड होता था वो होता था शिप्स के थ्रू, शिप्स का की लकड़ी की, और लकड़ी क्या है, लकड़ी भी आपको एक आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको, तो वो भी आपका सर्विस सेक्टर ही है। तो सर्विस सेक्टर के बिना आप ग्लोबल भी नहीं हो सकते, यानी आप कनेक्टेड भी नहीं हो सकते, कनेक्टेड भी नहीं हो सकते, मॉडर्न तो भूल जाओ। ठीक, ये बेस है मॉडर्न के लिए के भी और ग्लोबल के लिए भी। ठीक है, यानी यानी बड़े बड़े कार्गोस और शिप्स, ये क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड जो हो रहा है उसके लिए बेस बनता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ठीक है सर। व्हाट इज फाइनल गुड्स? देखो आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट इन द इंडस्ट्री, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसको हम कहेंगे फाइनल गुड और प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट ऑलरेडी इंक्लूड देमसेल्फ ऑल द इंटरमीडिएट वैल्यूज विच इज स्पेंडेड बिफोर द प्रोडक्शन। देखो उसके अंदर ऑलरेडी जो उसके इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी एड होती है। फाइनल वैल्यू गुड्स ऑलवेज हैव लाइदर हायर वैल्यू देन इंटरमीडिएट। देखो जबकि फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा हायर होती है एज कम्पेयर टू जो इंटरमीडिएट हैं उनसे। ठीक है, वरना इंटरमीडिएट की अगर वैल्यू बड़ी, आपकी कार की सीट बेल्ट की वैल्यू कार से ज़्यादा होगी, तो आपकी कार बहुत घाटे में, सोच लेना। आई मीन टू से जो इंटरमीडिएट्स हैं ना उनकी वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा ना हो, आपकी जो कार है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, यानी आपके फाइनल गुड्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। ठीक है, तभी आप फ्रूटफुल फ्रूटफुल एक्सचेंज कर रहे हो। फाइनल वैल्यू समझ गए ना, जिसके अंदर आपके सारे इंटरमीडिएट सारे इंटरमीडिएट्स की गुड्स वैल्यू एडिशन हो और फाइनल वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर पावर डिवाइड होती है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, ये जहाँ पर देखो ऑर्गन्स देख लो, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक,
और हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है, पावर को चेक करता है, तो इसको हम कहते हैं पावर बैलेंस, पावर बैलेंस। ठीक ठीक है सर। अब देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वर्टिकली, यानी वर्टिकली डिवाइड कर दिया मैंने पावर को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में अनइक्वली। यहाँ पर इक्वली था, यहाँ पर अनइक्वली है। यहाँ पर सेंट्रल होती है जो कि मेन अथॉरिटी होती है, उसके अंडर में होती है, उसके सबॉर्डिनेट होती है स्टेट, उसके सबॉर्डिनेट होती है लोकल। ठीक है, अगर है तो वन ऑर्गन कैन बी सबॉर्डिनेट और टू दी अदर अनदर एंड अनदर आर कैन बी सबॉर्डिनेट। ठीक है, एक सुपीरियर है और दूसरे सबॉर्डिनेट है ऐसा। अब देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन और शायद मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन सब कुछ मिला दिया है, तो आप देख लेना सारे आंसर आपके सेम है। ठीक, रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन अवर लाइफ। देखो एनीथिंग, देखो रिसोर्स क्या होते हैं जो कि हमारे पास आसपास प्रेजेंट है, जो कि हमारी नीड के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि हमारी नीड्स को पूरा करती है, विच कैन बी कल्चरली एक्सेप्ट, विच मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी जो हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट करती है, रिसोर्स एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करती हो, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी उसको हमें पाना पड़ रहा हो उसको पाना। ठीक है, यानी सस्ता पड़ रहा हो, सही पड़ रहा हो, प्रॉफिटेबल हो रहा हो। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन यू टर्म दैट रिसोर्स। हमारे आसपास जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती हैं, जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं। ठीक है, वो होती है रिसोर्स। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या, देखो पहला रिसोर्स है हमारा वाटर और लेक्स, ये आपको पीने के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक, मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और एल्यूमिनियम, आयरन, जो भी आपके कॉपर वगैरह, वो आपको डे टू डे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके जो पत्ते हैं, मतलब जो नहीं, आपके जो पैन है, मेरी पैन भी बनी है रिसोर्स से, घर बनाए रिसोर्स से, पेपर बनाए रिसोर्स से, मोबाइल बनाए रिसोर्स से, आप जो आपके आँखों में चश्मा लगा वो बनाए रिसोर्स से, आपने जो क्लोथ पहने वो बनाए रिसोर्स से, आप जो खाना खाते हो वो भी एक रिसोर्स है जो कि बनता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, और जो बीज है वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, सब चीज़ें रिसोर्स हैं जो कि आपकी नीड के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक, और हम रिसोर्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ठीक है, आप अगर मान लो आप आदि मानव हो, ठीक है, तो आप भी रिसोर्स के ऊपर डिपेंड हो। क्यों? क्योंकि देखो आप खाते हो फ्रूट्स और फल, ठीक है, तो फ्रूट्स और जो भी हैं वो मिलते हैं आपको ट्री से, वो भी आपको किसी न किसी से मिल रहे हैं, तो ट्री भी आपके लिए रिसोर्स हो गया। ठीक, आप जो पत्ते पहने हो, आप आदि मानव हो, ठीक है, आप जो पत्ते पहने हो, पत्ते भी आपको मिलते हैं ट्री से, तो वो भी आपके लिए रिसोर्स है। ठीक, तो रिसोर्स के बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? ट्रीज, वो भी रिसोर्स है आपके लिए। ठीक है, पानी पी रहे हो, पानी भी रिसोर्स है। ठीक है, ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन एलुविल और ब्लैक सॉइल, एयर एरिया देखो, क्रॉप्स देख लो, कंटेन देख लो और एक्स फैक्टर देख लो। एरिया जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, डेक्कन प्लेट्स, डेक्कन ट्रैप्स और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्रॉप्स कॉटन हो गया और इसकी पैडी, वीट, शुगर केन और अदर सीजनल क्रॉप्स जैसे कि राइस, वीट, बाजरा, ऐसा कुछ। कंटेन करती है सिल्ट और सैंड क्ले मटेरियल्स जैसे कि लाइम और लाइम स्टोन, जैसे कि उसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है इसके अंदर, और पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक, एक्स फैक्टर इसका भंगर खादर, भंगर जो न्यू एलुवियल बोलो तुम लोग, न्यू सॉइल। ठीक है, और ये होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये हर साल में एक दो बार फर्टिलाइज होती है, ये जो इस हर बार फर्टिलाइज होती है, और जो और ये 2-3 साल में एक बार फर्टिलाइज होती है, जहाँ पर अगर रिवर का बेड बढ़ गया, यानी रिवर की जो चौड़ाई है ना वो बढ़ गई, तब जाके फर्टिल होगी। ठीक, ठीक है सर। ये देखो इसके अंदर फाइन क्ले मेटल होते हैं जो कि होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसमें भी है यार कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी है, और ये पूरा होती है फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक, ओके सर। सेल्फ एरेशन करती है, यानी अपने अंदर क्रैक्स वगैरह डेवलप करती है एयर के कॉन्टेक्ट में से। ठीक है, और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू यार। हाँ देखो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की जो एस्टेब्लिशिंग प्राइस है वो हाई होती है, बट जो उसकी रनिंग कॉस्ट है वो लो होती है। ये लो कॉस्ट में अपन इसको काम कर सकते हैं, और जो हमारे गुड्स हैं वो लूज नहीं होते। ठीक,
यहाँ पाइप अपन ने इस साइड से जो डाला वो उतना का उतना ही वो निकल के आएगा, ऐसे कुछ बीच में कुछ लॉजिंग नहीं होगी, लूज नहीं होगा। सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय कन्वर्टिंग इनटू स्लरी। स्लरी एक लिक्विड फॉर्म है किसी भी थिंग का, ठीक है, सॉलिड भी हो उसका भी लिक्विड फॉर्म। ऑल्सो यूज फॉर ऑयल गैस पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया की नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो है वो, जो कि आर्टरी है इंडिया की नेचुरल गैस की, वो है हजारी बीजापुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन। ठीक, हजारी बीजापुर जगदीशपुर HVJ। नेम द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पहला है कांडला पोर्ट। देखो कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में, जो कि इन द एब्सेंस, जो कि एक टाइडल पोर्ट है जिसका नाम है दीन दयाल पोर्ट भी नाम से, अपन इसका अपन दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कराची पोर्ट हमारा चला गया था पाकिस्तान में, तो अपन ने नीट थी तो वहाँ पर एक पोर्ट की, तो अपन ने इस कांडला पोर्ट को डेवलप किया था, जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। मुंबई पोर्ट, देखो ये हमारा बिगेस्ट पोर्ट है, हमारा नेचुरल हार्बर है इसके पास, यानी जहाँ पर शिप्स पार्क होती हैं वो है इसके पास, वेल शेटल्ड हार्बर्स है इसके पास। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया था इसके पास में, ताकि इसका जो वेट है, जो इसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो थोड़ा कम किया जाए, ताकि इसके ऊपर जो पूरा वेट बन जो इसके ऊपर पूरा वेट बढ़ रहा है उसको कम करें। ठीक, समझ गया ना? ठीक है सर। इसकी हेल्प के लिए अपन ने एक पोर्ट डेवलप किया था जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके ओके सर। देखो मरमागांव पोर्ट, 50% हमारी कंट्री का आयरन एक्सपोर्ट होता है इसके द्वारा, और आयरन ओर को भी ये एक्सपोर्ट करता है। आयरन ओर और आयरन में फ़र्क है। ठीक, कहाँ पर था अपन? मरमागांव पोर्ट हमारे 50% आयरन आयरन का एक्सपोर्ट देखता है हमारी कंट्री का, और आयरन ओर का एक्सपोर्ट देखता है मरमागांव। ठीक, मतलब दोनों चीज़ें करता है ये। और मैंगलोर, देखो ये लोकेटेड है कर्नाटका में, जो कि स्लरी के फॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू कुदरक मुख माइन से आयरन ओर आता है स्लरी के फॉर्म में, ठीक है, और डायरेक्टली आता है मैंगलोर पोर्ट पर, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट का होता है। ठीक, एक्सपोर्ट होता है। कोची पोर्ट, देखो ये नेचुरल हर्बल साइंस के पास और एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है हमारा, लोकेटेड एट दी लगून्स, यानी जो ऐसा सी शेप का कुछ बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जो लगून्स यानी जो एंड में है वहाँ पर एस्टेब्लिश है। ठीक, लोकेटेड एट दी एक्सट्रेंस ऑफ लगून्स। डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, देखो यहाँ पर एक ही लेवल होता है, या फिर एक से अधिक लेवल है, तो उनमें से जो सेंट्रल लेवल है उसकी डोमिनेंस होती है, और बाकी जो लेवल्स हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट करने में दिक्कत होती है एक ही लेवल को। ठीक है, यहाँ पर एक ही लेवल है ना, इसलिए नो मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, लोग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हार्ड और लो हो जाता है पार्लियामेंट में। ठीक, और दिस सिचुएशन कैन बी लीड टू मिलिट्री लीडर और एनी वन इंडिविजुअल का रूल हो जाए पूरी कंट्री में, ऐसा हो सकता है। ठीक, ऑल डिसीजन टेकन बाय सेंटर, और वो सजेशन भी नहीं लेता सेंटर से, ठीक है, सॉरी स्टेट से। ठीक, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, देखो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। देखो दो से अधिक लेवल्स होते हैं यहाँ पर टीयर्स गवर्नमेंट के, या फिर दो या दो से अधिक टीयर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर डाइवर्सिटी कैन बी अकोमोडेट बाय गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है और जो भिन्नता है उसको गवर्नमेंट एडजस्ट करती है, और ये जो हमारी भिन्नता है लोगों की, आप काले हो मैं गोरा हूँ, आप सिख हो मैं क्रिश्चन हूँ, ठीक है, हम जो हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं फेडरल सिस्टम से, हमारे जो अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं उनको हम मिल बैठ के उन कन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में, और स्टेट कैन बी नॉट वन नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंटर, स्टेट सबॉर्डिनेट नहीं होता सेंटर के, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फंक्शंस ऑफ पीपी यानी पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये इलेक्शन लड़ती हैं और कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन बाय गिविंग टिकट्स टू देयर कैंडिडेट, और कैंडिडेट्स मासेस को मोबिलाइज करते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों मुझे वोट दो, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बहुत कर बात करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। ठीक, और मोबिलाइज, ठीक, मोबिलाइज यानी मोबिलाइज, मुझे नहीं पता इसकी हिंदी क्या है।
पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड टू मास। देखो अपने जो एजेंडाज हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपने जो प्रोग्राम्स हैं, अपने जो प्रोमिसज हैं, उनको जनता के सामने रखते हैं ताकि जनता उनको वोट दे सकें। ये मोबलाइज करती हैं जनता को, ठीक है। और मोबलाइज मतलब होता है मतलब अपन किसी को अपनी तरफ बोलने के, भाई हमें वोट दो या फिर हमें कुछ हमारी बात मानो, ऐसे कुछ अपन समझाने किसी को। मोबलाइज करना मतलब क्या, समझाना, ठीक है, यानी उसको दबाव डालना, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से पूरा पुश करना, ऐसा कुछ, ठीक। दे रिप्रेजेंट पीपल, देखो ये लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और प्ले करती हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग, यानी लॉ जो बना रही है ना उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन, देखो ये गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और रन करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, रन एडमिनिस्ट्रेशन और प्ले इम्पॉर्ट। देखो ये जो अपोजिशन पार्टी होती है ना उसको रोल प्ले करती हैं, अगर ये इलेक्शन नहीं जीत पाती ना तो ये अपोजिशन पार्टी बन जाती है, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसको अपोज करती हैं, उसके जो गलत बातें हैं, जो उसने गलत काम करा, जो उसने काम नहीं करा वो सही, उसको हाईलाइट करती हैं मासेस के सामने, ठीक, मासेस के सामने। पीपल अटैच, देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। पीपल अटैच टू पार्टी बिकम बिकॉज दे आर इलिटरेट। देखो लोग अपने आप को पार्टी से रिलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं पार्टीशनशिप, यानी वो पार्टी की भलाई ही देखते हैं, वो पार्टी को ही अच्छा मानते हैं, वो पार्टी से ही पार्टी के ऊपर ही निर्भर होते हैं, रिलाइड होते हैं, ठीक है, दे टोटली रिलाइड ऑन दी पार्टी। अब देखो बीजेपी है, बीजेपी ने अपना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई अपना एक कैंडिडेट खड़ा करा, ठीक ठीक है, वो कैंडिडेट अच्छा नहीं, वो डकैत है, ठीक है, मतलब सबको पता है वो है ना अच्छा कैंडिडेट नहीं है, बट फिर भी लोग उसको वोट देते हैं क्योंकि वो उस कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, वो वोट दे रहे हैं उसको, इसको पार्टी को, इसको हम कहते हैं पार्टीज कैन शेप दी ओपिनियन ऑफ मासेस, ठीक है। जो लोग हैं ना वो पार्टी से अटैच होते हैं, वो पार्टी उनके ओपिनियन को शेप करती है, ठीक है, उनके जो ओपिनियन है उसको शेप करती है पार्टी, उनको लोग पार्टी से अपने को रिलेट करते हैं ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ये भी इनका सिक्स फीचर है, ठीक है। सेवन्थ देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज से जो लोकल लीडर्स हैं, जैसे कि पार्षद और विधायक, ये जो लोकल स्कीम से उनका लाभ करवाते हैं, लाभ दिलवाते हैं लोगों को, ठीक। सजेशंस फॉर पार्टी, देखो देखो उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, और क्या क्या सजेशंस हैं, देखो रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। देखो एंटी डिफेक्शन, यानी जो कैंडिडेट है वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद अगर उसको चेंज करना ही है तो उसको अपनी बहुमत फिर से साबित करनी होगी, ठीक है, ओके सर, क्योंकि अगर वो पार्टी को छोड़ देता है तो ऐसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है देश के अंदर, ठीक, अगर तुमको छोड़ना ही है तो भैया फिर से अपनी बहुमत साबित करो, फिर से इलेक्शन लड़ो, ऐसा। एफिडेविट देखो, यानी गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि दिया जाता है प्रॉपर्टी का और क्रिमिनल राइट्स का उस कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है, टू द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि देखो और ताकि अगर देखो उसके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं, आप मुजरिम तब तक नहीं हो जब तक आपके ऊपर केसेस साबित ना हो जाए, ठीक। अगर मान लो इन फ्यूचर जैसे वो बने, वो मंत्री वगैरह को जो भी उनको बनना है बने, उसके बाद उनके ऊपर जो केसेस हैं वो साबित हो गए, तो जो गवर्नमेंट के पास जो उनके जो क्रिमिनल केसेस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, वो उनको उनके पद से हटा देगा, बर्खास्त कर देगा, ऐसा, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके उनको आपको एक डॉक्यूमेंट में लिख के आपको देना पड़ता है एफिडेविट, एज एफिडेविट आपको देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आप जब नेता बने आपके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, और जब आप नेतागिरी आपने छोड़ दिया, मतलब आपका कार्यकाल पूरा हो गया, तो आपके पास अब कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब चेक करेगी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ओके सर। एफिडेविट और इन पार्टी, देखो पार्टी के जो छोटे लीडर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बड़े लीडर्स उनको जो करना हो तो वो डिसीजन दे देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं सारे, ठीक है, सारे मेंबर्स हैं, तो उनको अभी को सेम पॉलिसीज और सेम प्रोग्राम्स पे एडी करना पड़ता है, ताज़ी होना पड़ता है, ठीक है। तो इनकी मर्जी ना हो या ना हो लोकल लीडर्स की, छोटे लीडर्स की, पर उनको राजी होना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ें ना हो और उनकी भी राय मानी जाए, यानी अपन पार्टी के अंदर कराएंगे इंटरनल इलेक्शंस, ठीक है, इंटरनल इलेक्शन कराओ ताकि जो छोटे लीडर्स हैं उनकी बात मानी जाए, ठीक है, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, वोटिंग कराओ किसी भी डिसीजन के लिए, ऐसा। देखो और सजेशन देख लो, 1/3 सीट्स रिजर्व कर दो महिलाओं के लिए, और स्टेट फंडेड इलेक्शन करो ताकि कोई भी अपनी मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके, और ब्रिंग इन माइंड डोंट ओवर रेगुलेट पार्टीज सो दे कैन सर्च एनी सॉल्यूशन टू हाइड, अपनी जो उनके जुआर हैं, जो उनके जो काले काम करती हैं वो पार्टीज, उन वो अगर उनके लिए
उन काले कामों को करने के लिए वो कोई ना कोई सोल्यूशन या फिर उनको कुछ छुपाने के लिए कोई ना कोई तरीका ना निकाल लें, तो आप इसलिए उनके साथ ओवर रेगुलेट मत करो, ओवर रेगुलेट मत हो उनके साथ, ओवर रेगुलेशन मत करो उनके साथ, ओवर रेगुलेट मत करो उनको ऐसा, ठीक है ना, ताकि वो कोई ना कोई तरीका ना निकाल लें। हाँ, रूल्स और रेगुलेशन और रेगुलेशन करो, और उनके ऊपर चाबुक मारो बट प्यार से, चाबुक मारो बट प्यार से, ठीक है, ऐसा गुस्सा करो, मारो कूटो पर प्यार से, ठीक है, बाद में पुचकार भी दो ऐसा। फोर फंक्शंस ऑफ RBI, RBI देखो वो छोड़ो, तुम तो कितने फंक्शन है वो देखो। RBI यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ठीक है, RBI इशू करती है करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव, ठीक। RBI मेंटेन द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक्स ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑन दी स्पेसिफिक एरिया। RBI फिक्स करती है इतनी आपकी ब्रांच, इतने परसेंट आपकी, इतनी परसेंट ब्रांचेस या फिर इतना आपकी ब्रांचेस ये होनी चाहिए इस एरिया में ऐसा, ठीक है, यानी गांव क्षेत्र में आपकी ब्रांच होनी चाहिए ऐसा। और वो ध्यान रखती है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं उनकी हमने ब्रांच तो बना दी हमने रूरल एरिया में, बट वो जो जो गांव के जो अमीर लोग हैं उनको भी वोट ना दे, उनको भी लोन्स ना दे, जो गरीब लोग हैं उनका भी भला करे ऐसा, ये भी चीज़ें देखती है RBI, ठीक है। और RBI सेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स एंड डिटेल अबाउट द बैंक्स। देखो RBI सारे जो इंटरेस्ट रेट है ना बैंक का, कि वो कितने परसेंट लोन इंटरेस्ट पे लोन देंगे बोरोर्स को, वो भी RBI फिक्स करती है, ठीक, आई थिंक, हाँ करती तो है वैसे। खैर, हाउ मच दे हैव टू शेयर, हाँ, अब बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपने डिमांड डिपॉजिट समझते हो ना, कि अपन को अपने 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 पैसे अपन किसी भी समय जितने चाहें उतने अपन अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, वो होता है डिमांड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब लोगों के पास राइट है कि वो अपने पैसे को निकाल सकते हैं, तो ठीक है, तो सारे लोग पहुंच गए बैंक के पास कि भैया हमें हमारा पैसा दो, ठीक है, तो अब बैंक अपने हाथ खड़े कर देगी क्योंकि बैंक ने सारा पैसा दे दिया बोरोवर्स को, ठीक है, तो बैंक के पास अब पैसा नहीं है, ठीक है, तो बैंक को अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको करने के लिए कितना पैसा अपने हाथ में रखना है, कितना पैसा अपने हाथ में स्टोर करना है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वो फिक्स करती है, वो बताती है RBI, ठीक है, बैंक को, ठीक है, इसलिए वो बैंक को सुपरवाइज करती है ऐसे, समझ गए ना क्या कहा मैंने। ऑल बैंक्स सेंड पीरियडिकल डिटेल्स अबाउट देयर थिंग्स और जो उनकी एक्टिविटीज उनके उनके बारे में टू दी बैंक्स टू दी RBI, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अपनी पीरियडिक जो एक समय के बाद अपनी जो डिटेल्स है उनको देती है RBI को। तो फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स, देखो RBI सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग को और यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है, और यहाँ पे बैंक्स ऑफ कोऑपरेटिव आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके रिच लैंडलॉर्ड्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, सब कुछ, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जिनको जिनके ऊपर जिनको जिनकी एक्टिविटीज़ को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती, जैसे कि RBI, इंटरेस्ट रेट जहाँ पे हाई होता है यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में होता है, जो कि RBI डिसाइड करती है। और यहाँ पर हाई होता है रिलेटिवली इनके कंपेयर में, और टर्म्स और कंडीशन जस्ट होती है जो कि रूल्स और रेगुलेशन के अंदर में आती हैं, और ये रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता, और यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन हार्श होती हैं, यहाँ पर कोलेटरल की मांग होती है, यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। वेलम, देखो वेलम आपका एंशियंट टाइम में जो आपकी जानवर की खाल है उसको अपन निकालेंगे और तैयार करेंगे ऐसा, और तैयार करेंगे अपन जानवर की खाल को फो लिखने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेलम, जो कि प्रेफर किया जो कि पसंद किया जाता था एस्ट्रोक्सी क्लासेस के द्वारा, ठीक है, यानी राजा महाराजा के द्वारा, ठीक है, जो अलग चीज़ें होती है ना, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया और जो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि वीविंग हो गई, देखो हाथ से वीविंग, हाथ से कढ़ाई, ठीक है, बनारसी साड़ी, ऐसे कुछ जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, उसको एस्ट्रोक्सी क्लास प्रेफर करती है। देखो सिविल कोर्ट ऑफ 1804, इसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन ने जहाँ जहाँ पर रूल करा, जहाँ जहाँ पर उसने अपना साम्राज्य विस्तार करा, वहाँ पर जो उसने अपने रूल्स और रेगुलेशंस लगाए उनको उसने नाम दिया है नेपोलियन कोड, ठीक, ओके सर। अब देखो उसने क्या क्या करा, देखो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को उसने हटा दिया, यानी जो जो बिजनेसमैन है उनके जो ग्रुप बनते थे उसको हम नाम देते हैं गिल्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस था, यानी ग्रुप बनाने का अधिकार नहीं था, उसको उसने हटा दिया, यानी ग्रुप बनने का गिल्ड को प्रमोट कर, यानी उसने ग्रुप बनाने का अधिकार दे दिया ऐसे कुछ, ठीक है, ठीक है ना, यानी जो बिजनेसमैन थे उनको ग्रुप बनाने का अधिकार दे दिया, ठीक है।
अब देखो उसने फ्री पीजेंट के जो ड्यूज थे उनसे उनको फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया यानी जो जमींदारी सिस्टम था उसको, और ट्रेड बैरियर हटा दिए, करेंसी नंबर रिड्यूस कर दिया, और उसने फैसिलिटेट करा ट्रेड को और कैपिटल की मूवमेंट को, ट्रेड की मूवमेंट को, लोगों की मूवमेंट को, यानी उसने पूरा अर्बनाइजेशन करा, ठीक है, उसने मॉडर्नाइजेशन की मदद से अर्बनाइजेशन करा, ठीक, और उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिविजन करे थे, ठीक है, और उसने जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ उनको दिया था ताकि लोग रिवर्ट ना करें, और इक्वलिटी दी थी और प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे, कितना कुछ करा था उसने, आप क्या क्या लिख सकते हो, ठीक। चलो हो गया हमारा चैप्टर, चैप्टर नहीं मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से, ठीक है, तो धन्यवाद अपने यहाँ तक वीडियो देखी, धन्यवाद अपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल पर, एक मिनट कहाँ पर, व्हाट्सअप चैनल पर, और सारी वीडियोस आधी वीडियोस आपको मिलती है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और आधी वीडियोस मिलती हैं हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और यूं ही चकाचक प्रिपरेशन करते रहिए, हमारा सफ़र यहीं तक था इस वीडियो में, ठीक, धन्यवाद, एक बार दिल से बोलो जय हिंद।